सोलन नगर परिषद सफाई कर्मियों का आज 12/7 आसमान पर था, जिसकी वजह थी ड्यूटी के समय में सफाई कर्मियों के साथ हुई मारपीट, जिसके चलते सफाई कर्मियों ने डीसी ऑफिस चौक पर उग्र प्रदर्शन किया। जो चौक सोलन में अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था, वहां गंदगी के अंबार नजर आए, क्योंकि सफाई कर्मियों ने शहर से एकत्र किया गया कूड़ा ट्रकों में भरकर चौक पर फैला दिया। साथ ही राजगढ़ रोड, माल रोड पर कूड़ा ले जाने वाली गाड़ियों को खड़ा कर रोड को तीनों तरफ से बंद कर दिया, जिसके चलते सड़कों पर यातायात करीबन 6 घंटों के लिए अवरुद्ध रहा। गौरतलब है कि इस मौके पर जिला प्रशासन के अधिकारियों ने इस घटना से दूरी बनाकर रखी। मामले को शांत करवाने की जिम्मेवारी केवल डीएसपी, एसएचओ और नगर परिषद कार्यकारी अधिकारी को दी गई, लेकिन सभी कर्मचारी इस मामले को शांत करवाने में नाकामयाब रहे। वे सभी मांग करते रहे कि जिन लोगों ने उन पर हमला किया है, वे सार्वजनिक रूप से चौक पर आकर माफी मांगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अंत में एलटीएम सोलन अजय यादव और व्यापार मंडल के पूर्व अध्यक्ष कुशल जेठी अपनी टीम के साथ पहुंचे और अथक प्रयासों से मामले को समझा बुझाकर शांत किया, तब जाकर जाम को खुलवाया गया। अधिक जानकारी देते हुए वाल्मीकि सुधार समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद मट्टू ने बताया कि सफाई कर्मी नगर परिषद के अधिकारियों के आदेशों का पालन कर रहे थे, तब कुछ गुंडा तत्वों ने व्यापारी के साथ मिलकर उनके साथियों पर हमला किया, और जब वे सफाई कर्मी अपनी जान बचाकर भागे तो वे नगर परिषद तक उन्हें मारने के लिए उनकी गाड़ियों का पीछा करते रहे, जिसको लेकर पुलिस में शिकायत करवाई गई, लेकिन वहां भी उनकी बात को अनसुना किया गया, जिसकी वजह से सफाई कर्मियों को गुस्सा आया और उन्होंने डीसी ऑफिस चौक पर प्रदर्शन किया। जिला प्रशासन के आश्वासन पर धरने को खत्म किया गया और जिसने उन पर हमला किया था उसने लिखित में सफाई कर्मियों से माफी मांगी है। उसके साथ ही आरोपियों के खिलाफ मामला भी दर्ज कर लिया गया है। एमसी दफ्तर की तरफ से जो कार्यकर्ता थे, वो जो बैनर रन ऑफ थ्रेज लगाए गए हैं उनको हटाने के लिए वो भेजे गए थे। उन्होंने वो बैनर हटाए, जिनके वो बैनर हटाए गए उन्होंने इस पर ऑब्जेक्शन किया और उनसे मारपीट की। मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ, मारपीट की, और जिससे कि वो सहन नहीं कर सके और उन्होंने पूरे बाल्मीकि समुदाय के नॉलेज में लिया और उन्होंने ये चक्का जाम किया, ये प्रदर्शन किया कि हमारे साथ अन्याय हुआ है। कि जब ये सारे बोलों ने इन्होंने कहा कि वो जो अभियुक्त है वो माफ़ी मांगे वाल्मीकि समाज से, और जो वहाँ गंदगी पड़ी है, कूड़ा करकट है, उसकी वो सफाई करे, और दूसरे जो अभियुक्त उसके साथ थे वो थाने में आए और उनके ऊपर कार्रवाई की। पुलिस ने भी यही कहा है कि केस जो है वो रजिस्टर्ड हो चुका है, FIR लॉज हो चुकी है और इसकी कार्रवाई पुलिस करेगी। ये उन्होंने हमें माफ़ी मांगा नामा दिया है कि वाल्मीकि समाज से हम माफ़ी मांगते हैं, हमारे से गलती होगी और उस कूड़ा करकट का हम स्वयं उठाएंगे और आइंदा को कभी भी हम ऐसी गलती नहीं करेंगे और वाल्मीकि समाज के साथ मिलजुल के उनका साथ दें। और कोर्ट केस चलता रहेगा, और कोर्ट केस तो ये चलता ही रहेगा। और मैं म्यूनसिपल कमेटी से भी ये आग्रह करता हूँ, जो उनके ऑफिसर लोग हैं वो भी इस मामले में वो कहें कुर्सी पर बैठे ही ऑर्डर ना दें, और वो भी देखें कि हमारे कर्मचारियों के साथ कोई अन्याय तो नहीं हो रहा किस तरह, और उनको रिटर्न में दिया जाए कि ये यहाँ से सफाई यहाँ कही जाए या वहाँ से ये हटाया जाए, ताकि वो दिखाए कि मेरे पास ब्लैक एंड वाइट में, इसलिए मैं आया हूँ, मैं हटा रहा हूँ। उन्होंने ये ना पूछते, उनको चाहिए था कि म्यूनसिपल कमेटी में ईओ साहब से या चेयरमैन साहब से या पदाधिकारियों से बात करते भी, इन्होंने हमारे बैनर उखाड़ दिए हैं, फाड़ दिए हैं इसका, तो उनका जवाबदेही उनकी थी, ना कि वो उन कर्मचारियों के साथ झगड़ा करता, उनके साथ मारपीट करता। मेरा नाम विकास चौटाला है, मैं MC ऑफिस में सफाई कर्मचारी हूँ, और सुबह का वक्त था, हमारे जो अफसर लोग हैं उन्होंने हमारे को बैनर का मतलब फाड़ने का कार्य दिया, जो जिसका टेंडर था वो भी हमारे साथ थे, तो हम कार्य करने आए जो अपने हरि मंदिर के पास से लगे और कोटनाला चौक तक हम बैनर फाड़ते हुए आए। वहाँ पर मतलब जो जो बैनर थे इलीगल जो लगे हुए थे, तो एक अंकल है यहाँ पर भी, एक दुकानदार हैं, उनके छत पे मतलब बैनर लगा था, हम फाड़ना स्टार्ट ही करा था, तो उन्होंने वहाँ पर रोक दिया। वहाँ पर जब रोक दिया तो हम वहाँ पर रुक गए, उसके बाद हमने अपनी गाड़ी मोड़ी, हम दूसरे बैनर के लिए चले पड़े। तो जो व्यक्ति ये योगराज है के रामेन का उदयराज, जो उदयराज है, इन्होंने पीछे से आके हमारी गाड़ी में गाड़ी मारी और अपना जो इनके पास डंडा था, एक स्लैगर बोलते हैं उसको, और डंडा निकाला, सीधा बाहर आए, और हमने देखा जब इनके हाथ में डंडा था तो हमने गाड़ी स्टार्ट थी हमारे, तो गाड़ी में बैठे हम सीधा MC ऑफिस की तरफ रवाना हो गए। MC ऑफिस के रवाना हुए तो ये 3-4 गाड़ी भर के अपना आप MC ऑफिस ही पहुँच गए, डंडे डंडे लेके। बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा के हम ऊपर मंजिल में पहुँचे, अपनी दूसरी मंजिल में।
आपको बता दें कि इसमें रहते पुलिस अगर सफाई कर्मियों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लेती तो शायद जितना बड़ा घटनाक्रम सोलन में हुआ वह नहीं होना था। सफाई कर्मी बार बार शिकायत दर्ज करवाने की बात करते रहे लेकिन उनकी बात को अनसुना किया गया जिसकी वजह से सफाई कर्मियों को मजबूरन रोष प्रदर्शन करना पड़ा। वहीं जिला प्रशासन के आला अधिकारी भी मौके पर नहीं पहुंचे जिसकी वजह से सफाई कर्मियों का गुस्सा लगातार बढ़ता गया। समय रहते अगर इस बात पर नियंत्रण कर लिया जाता तो ये विवाद इतना ज्यादा नहीं बढ़ना था।